सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल लीग T20 के 29 मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है दुबई कैपिटल्स और MI इमिरेट्स के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलते रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 5 फरवरी को इंडिया टाइम के अनुसार शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। तो पहली टीम दुबई कैपिटल्स की बात करें तो जहां 5 में से 3 मैच लॉस है, 2 मैच विन करके आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम MI इमिरेट्स की बात करें तो 5 में से 3 मैच लॉस है, 2 मैच विन करके आ रही है। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें टीम फॉर्म में तो टीम फॉर्म में लगभग दोनों का परफॉर्मेंस इक्वल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में तो जहाँ पे दुबई कैपिटल्स 1 मैच जीत के आ रही है, वहीं MI इमिरेट्स 0 मैच जीत के आ रही है। तो हेड टू हेड में दुबई कैपिटल्स आगे चल रही है। वहीं अगर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहां पे दुबई कैपिटल्स का 37% है तो MI इमिरेट्स का 62% है। एवरेज स्कोर की बात करें तो दुबई कैपिटल्स का 161 है तो वहीं MI इमिरेट्स का 182 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो दुबई कैपिटल्स का 222 है तो वहीं MI इमिरेट्स का 241 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो दुबई कैपिटल्स का 80 है तो वहीं MI इमिरेट्स का 139 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे MI इमिरेट्स की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। बढ़ते फ्रेंड चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसे रहेगी तो 23 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 54% रहेंगी, वहीं 1% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है तो इस पिच का फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो 148 बन सकती है, वहीं सेकेंड इनिंग में 133 बनने की संभावना है। अगर इस पिच पे देखें तो टोटल 77 मैच खेले गए हैं जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो यहाँ पे दोनों टीम को दोनों तरह से सपोर्ट मिल सकती है। अगर जो भी टीम टॉस जीत के बैटिंग करती है तो वो भी मैच जीत सकती है, या जो भी टीम टॉस जीत के बॉलिंग करेगी वो भी मैच जीत सकती है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो भी होगी वो मैच विन करके जाएगी। तो पिच काफ़ी अच्छी है, डिफेंड में भी काफ़ी अच्छे रन स्कोर लग सकते हैं, और चेस की बात करें तो चेस भी काफ़ी इजीली वे में मैच कर सकती है। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम दुबई कैपिटल्स की बात करें तो नो डाउट अच्छी टीम है, बट परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे पिछले मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही है। वहीं बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी दुबई कैपिटल्स को अपना बॉलिंग सुधारने की ज़रूरत है। वहीं अगर दूसरी टीम MI इमिरेट्स की बात करें, नो डाउट ये टीम काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे ब्रिएबल बाउंस पे। अब चलते फ्रेंड दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम दुबई कैपिटल्स के की प्लेयर की बात करें तो रॉबिन उथप्पा, सिकंदर राजा, फ्रेड क्लेसन, रोबेन पॉवेल। वहीं दूसरी टीम अगर MI इमिरेट्स के की प्लेयर की बात करें तो निकोलस पूरन, मोहम्मद वसीम, इमरान ताहिर, एंड्रे फ्लेचर। ये रहे दोनों टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए दुबई कैपिटल्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपना व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।